हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर साइंस टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। क्लास एट्थ का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है शोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, शोइंग ऑफ सीड्स का मतलब ये कि सीड्स को कैसे उगाया जाता है, ठीक है, और सीड्स को उगाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, शोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सोइल। शोइंग जो यानी कि जो हम उगाते हैं बीजों को, वो क्या प्रोसेस होता है कि उस सीड्स जो होते हैं उनको हम सॉइल के अंदर डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शोइंग ऑफ सीड्स। फॉर शोइंग गुड एंड हेल्थी सीड्स आर सेलेक्टेड। हमको सोइंग के लिए क्या गुड एंड हेल्थी सीड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। द फार्मर्स टूडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स इज़ मस्ट फॉर गुड क्रॉप। आजकल जो है वो फार्मर्स जो है अवेयर हो गए, पहले लोगों को इतना पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल फार्मर जो है वो अवेयर हो गए कि हमें गुड क्वालिटी की सीड्स यूज़ करेंगे तो हमको गुड क्वालिटी की क्रॉप्स मिलेगी। ठीक है, द सीड्स सेलेक्टेड फॉर शोइंग मस्ट ऑल्सो बी हेल्दी। जो सीड्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे होने चाहिए, है ना, ख़राब बीज नहीं होने चाहिए। बीजों की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, क्वालिटी होती है, तो हमें अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं सीड्स। ठीक है, दैट मीन्स द सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्थी प्लांट एंड देन स्टोर्ड वेल बिफोर सोइंग दैम। ठीक है, हमें जो सीड्स जो उगा रहे हैं उनको हमें अच्छी तरह से उसको स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह पे। द फार्मर्स देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड्स दैट आर हेल्दी। जो फार्मर द्वारा जो सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, ऑफ गुड क्वालिटी यानी गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ड्राइड प्रॉपरली एंड हैव नॉट डैम्पनेस दैट मे इनक्रेज द ग्रोथ ऑफ फंगी। यानी कि जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपरली ड्राइड होने चाहिए, यानी सूखे हुए होने चाहिए, है ना, और डैम्पनेस का मतलब होता है कि उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी अगर गीले होंगे तो उनमें फंगी होने की फंगी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए हमको कि उसको अच्छे से सुखा के फिर उनको यूज़ करें। नॉट मिक्स्ड विद द सीड्स ऑफ वेट्स, यानी कि उनके अंदर कोई भी दूसरा, मतलब जैसे कि सीड्स होते हैं उनके अंदर भी दूसरा बहुत सारा कचरा होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन से फ्री होनी चाहिए। स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग्स, आपको स्ट्रॉन्ग बैग्स में स्टोर करके रखना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े से भी आपको उनको दूर रखना पड़ेगा। नॉट कंटेमिनेटेड विथ वेस्ट, रोटिंग फूड मटीरियल, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल एट्सेट्रा। परफॉर्म एक्टिविटी 4 टू फाइंड हेल्दी एंड गुड सीड्स। आपको जो है मतलब ख़राब जो वेस्टेज होता है ना, सड़ा गला जो भी चीज़ें होती है, उससे आपको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए सीड्स को। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सॉइल टू जर्मिनेट इज नॉन एज सोइंग। यानी कि जो सीड्स जो आप स्प्रेड करते हो मिट्टी के ऊपर, स्प्रेड यानी कि उनको आप फेंकते हो ना, मतलब स्प्रेड्स करना, तो उसको आप क्या बोलते हो, सोइंग बोलते हो। फॉर सोइंग सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कैप्ड इन माइंड। आपको बीज उगाने से पहले कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी, वो क्या क्या रखनी है, जो ध्यान में रखने लायक जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी इंश्योर्ड। यानी कि जब आप बीज उगा रहे हैं तब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बीज के बीच में जो स्पेस होता है ना, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। यानी कि एक बीज यहाँ उगाया तो एक थोड़ा सा उसके दूसरा जो उगाओगे उनके बीच में स्पेस होना है चाहिए। दिस इज बिकॉज ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स मे रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एयर, सनलाइट, वाटर एंड कैन किल द सीडलिंग्स। यानी कि अगर आप पास पास में अगर सीड्स उगा देंगे तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, प्रॉपर तरीके से एयर नहीं पहुंच पाएगी, वाटर नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से आपकी फसल जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इस मतलब अपने को प्रॉपर स्पेस पर उगाना पड़ेगा। ठीक है, द सीड्स मस्ट बी शॉन इन प्रॉपर रोज सो दैट वाटरिंग डैम और ट्रांसप्लांटिंग डैम इज़ ईजी।
यानी कि इसने बोला है कि जो बीज आप उगाएंगे वो एक प्रॉपर रो में उगाएंगे, मतलब एक लाइन में उगाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप उसको अच्छे से पानी दे पाएंगे। ये जो होता है वो कुछ कुछ तरह के प्लांट होते हैं ना, क्रॉप्स होती हैं, उनमें ही आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, जिसमें एक ही लाइन में उगाने होते हैं, ठीक है। जैसे हम गेहूं होते हैं वो हम कोई एक लाइन में नहीं उगाते हैं, ऐसे ही अपन स्प्रेड कर देते हैं सीड्स को, ठीक है, और वो उग जाते हैं। लेकिन कुछ जो फसलें होती हैं उनको आपको ध्यान से एक फिक्स प्रॉपर स्पेस पर उगाना पड़ता है कि एक बीज यहाँ उगाया तो एक थोड़ा सा आगे उगेगा, है ना, उनके बीच में स्पेस होना चाहिए और जो है एक प्रॉपर रो में होनी चाहिए, हर कहीं आप नहीं उगा सकते हो, ठीक है, एक लाइन सर आपको उगाना पड़ेगा लाइन से, ठीक है। कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर ऑल रो क्रॉप, ये सारी जो है वो रो क्रॉप्स है, ठीक है। द सीड्स मस्ट बी शॉन एट अ रेस्पॉन्सिबल डेप्थ अंडर द सोइल सो दैट दे गेट एयर वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट, यानी कि सीड्स जो होते हैं आप जो बीज उगाते हैं वो एक फिक्स उसके गहराई तक ही होना चाहिए। आप ज़्यादा अगर गहराई में उगा देंगे बीज को, ज़्यादा अंदर डाल देंगे, है ना, ज़मीन के अंदर, तो भी क्या होगा कि प्रॉपरली पानी नहीं पहुंच पाएगा, वहाँ पे एयर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। अगर बीजों तक एयर नहीं पहुंच पाएगी तो बीज उग के बाहर नहीं आएगा, है ना, वो अंदर ही अंदर उसका सपोगेटेड होके वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा बाहर डाल दिया, ज़्यादा गहराई पे नहीं डाला या ज़मीन के ऊपर ऐसे ही बिखेर दिया, तो उससे क्या होगा, जानवर बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इफ़ दे आर सोन टू डीप दे मे सफोगेट, है ना, विदाउट एयर, बिना एयर के वो अंदर उनका क्या होगा, दम घुटने लगेगा, ना, जैसे हमको भी किसी चीज़ के अंदर पैक कर दिया और दम घुटता है, वैसे उनका भी दम घुटता है, ठीक है, बिना एयर के। एंड इफ़ दे आर स्प्रेड ऑन द सॉइल, अगर आप पे उसको मिट्टी के ऊपर ही डाल दोगे, दे मे बी ईटन बाय द बर्ड्स, ठीक है, ये जो है बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी दे रखी, हाउ टू फाइंड गुड एंड हेल्दी सीड्स, आप गुड और हेल्दी सीड्स कैसे पता करेंगे कि अच्छा बीज है ये नहीं है। पुट सम सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, एक बीकर लेना आपको जिसके अंदर पानी भरना है, शेक एंड लीव द बीकर, आप उसको हिला के उस बीकर को वहीं रख दीजिए, ठीक है। यू विल फाइंड दैट सम सीड्स फ्लोट वाइल अदर सेटल एट द बॉटम, आप देखेंगे कुछ बीज जो है ऊपर पानी पे तैरते हुए मिलेंगे, फ्लोट का मतलब तैरना है ना, तैरते हुए मिलेंगे, और कुछ जो बीज होंगे वो नीचे बॉटम यानी कि नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। तो फ्लोटिंग सीड्स आर नॉट गुड फॉर शोइंग, ठीक है, मतलब जो तैरते हुए बीज है वो उगाने के लायक नहीं है। द सीड्स विच सेटल एट द बॉटम आर फिट फॉर सोइंग, यानी कि जो नीचे बैठ गए वो आप उगा सकते हो। सीड्स नीड टू बी सोन एट अ पर्टिकुलर डेप्थ विच वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सीड्स को आपको एक पर्टिकुलर डेप्थ यानी गहराई पे उगाना चाहिए, वो किस पे, क्रॉप टू क्रॉप वेरीज करता है ना, यानी कि कौन सी क्रॉप को ज़्यादा गहरा उगाना है, किसको थोड़ा कम गहरा उगाना है, उस पे डिपेंड करता है। सीड्स सोन टू डीप इनटू द सॉइल मे नॉट जर्मिनेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एज वेल मॉइस्चर, यानी कि ज़्यादा आप अगर अंदर उगा देंगे तो भी दिक्कत होगी और ज़्यादा बाहर उगा देंगे बीज को तो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक 3 सॉयल फिल्ड कंटेनर, आप 3 सॉयल फिल्ड कंटेनर लो और उसमें 3 आपको कंटेनर लेना है, उसमें 10-10 दाने आप गेहूं के डाल दो उसके अंदर, थोड़ा जो है दाना जो है 4 सेंटीमीटर पे डालो, थोड़ा और गहरा डालो, थोड़ा और गहरा डालो, फिर आप उसको थोड़े दिन तक पानी दो, तो आप खुद देखोगे कि उसका जर्मिनेट यानी कि उसकी जो उगेगा वो, है ना, वो किस तरीके से उगता है वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सीड्स मस्ट बी शोन इन प्रॉपर सीजन, सीड्स जो है वो एक प्रॉपर सीजन में उगाना चाहिए, जिस सीजन का जो सीड्स है वो उसी सीजन में उगेगा, ठीक है। सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल, सॉइल जो है वो मिट्टी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, सो दैट इट हैज़ एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि प्रॉपर जो है पर्याप्त आपको मॉइस्चर होना चाहिए,
प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। क्रॉप लाइक वीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रोज, क्रॉप लाइक वीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रोज, यानी कि कुछ जो क्रॉप्स है गेहूँ चावल वो जो है वो एक ही रो में नहीं उगाए जा सकते। द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर स्केटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड। यानी कि बहुत सारी जो फसलें होती है वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही लाइन में उगाओ, है ना। जैसे कि वीट है, राइस है, आप देखते हो हम ऐसे ही स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट का मतलब ये कि हम ऐसे ही ज़मीन के ऊपर उनको स्प्रेड कर देते हैं, फेंकते हैं ना। तो व्हेन द सीड्स आर स्कैटर्ड रैंडमली विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑन द सॉयल द मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं, जो हम हाथ से, जैसे मक्की है तो हम मक्की भी ऐसे ही हाथ से डालते हैं, ठीक है। और गेहूं है वो भी ऐसे ही डाले जाते हैं, चावल भी आप ऐसे ही डाले जाते हैं। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन मैन्युअली स्प्रेड इन द एंटायर फील्ड विथ नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोज, नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल। मतलब इसमें आपका कोई प्रॉपर रो हो ऐसी भी ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर आपका जो स्पेस हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर डेप्थ का भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ड्रिल शोइंग एंड ड्रिबलिंग मेकिंग स्मॉल होल इन द ग्राउंड फॉर सीड्स आर बेटर मेथड ऑफ शोइंग द सीड्स। वंस द सीड्स आर पुट इन जस्ट द होल दे आर देन कवर्ड विद द सॉइल। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द सीड्स बाय बर्ड्स। एक मशीन होती है ड्रिबलिंग या ड्रिल शोइंग करके, है ना। उस मशीन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, बीज उगा सकते हैं, यानी बीज डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप ऊपर एक फनल टाइप होता है ना, उसके अंदर आप दाने डाल देते हैं और फिर वहाँ से पाइप के थ्रू होके दाने धीरे धीरे जैसे जैसे वो चलता है वैसे थोड़े थोड़े दाने गिरते जाते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो मशीन होती है वो क्या करती है कि ज़मीन के अंदर छेद करती जाती है और उसके अंदर दाना डाल के वापस पीछे की तरफ उसके एक ऐसी मतलब मशीन होती है, वो क्या करती है वापस मिट्टी सरका देती है ऊपर, यानी कि आगे जो होगा वो छेद करेगा, छेद करते ही उसके अंदर दाना गिरा और ऊपर से मिट्टी आएगी वो कवर कर देगी। इस तरीके की मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम ड्रिबलिंग बोलते हैं। ये लिखा है अ सिंपल सी ड्रिल हैज अ लॉन्ग पाइप, जिसमें लॉन्ग पाइप होगा विथ अ फ्यूनल फनल एट द टॉप, जिसमें फनल होता है टॉप पे। इट इज टाइट द टू द प्लग, ये प्लग से टाइट किया जाता है, यानी हल्के साथ में टाइट कर देते हैं। सम सीड ड्रिल हैव अ कॉमन फनल विथ 5 to 6 पाइप, कुछ सीड्स ड्रिल होती हैं उनमें 5 to 6 पाइप भी होते हैं। सीड्स आर पुट इन द फनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स इन रो अटैच टू द प्लग। सीड्स ड्रिल मे बी ड्राइवन बाय एनिमल और ट्रैक्टर, ये जो है एनिमल और ट्रैक्टर से चलाया जा सकता है। अ ड्रिल इंश्योर दैट द सीड्स आर प्रॉपरली स्पेस, ये जो आप ड्रिल के द्वारा अगर उगाएंगे तो ये जो है प्रॉपरली स्पेस पे ही उगाएगा, ठीक है। ये जैसे जैसे चलेगा प्रॉपर एक स्पेस देता जाएगा, तो आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका मेहनत कम पड़ती है, ठीक है। द सीड्स गो इन टू द सॉइल अप टू द राइट डेप्थ, और जो सीड्स को एक राइट डेप्थ तक पहुंचा देता है, ठीक है। यानी कितनी गहराई करनी है वो उसमें पूरा सेटिंग करने का होता है, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। सीड्स ऑफ राइस एंड मेनी वेजिटेबल आर नॉट शोन डायरेक्टली इन द सॉइल, यानी कि राइस और जो वेजिटेबल के सीड्स होते हैं वो आप डायरेक्टली सॉइल में नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड दे आर फर्स्ट शोन इन अ स्मॉल प्लॉट और नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग्स। यानी कि बहुत सारे अपने जो फसल होती है उसको आप डायरेक्टली नहीं उगा सकते, आपको उनको पहले एक जगह पर उगाया जाता है और फिर उनको थोड़ी थोड़ी दूर जगह पर उगाया जाता है। जैसे आप धनिया देख लो, है ना, धनिया का भी अपन अलग से अपनी देसी भाषा में अपन बोलते हैं कि उसका रोप करते हैं ना, कि धनिया का रोप किया, मिर्ची का रोप करते हैं, फिर क्या करते हैं बहुत सारी मिर्ची होती है उसको फिर जो अच्छी अच्छी होती है उसको हम निकाल के फिर हमारे पूरे खेत में बो देते हैं ना, यानी कि पहले उसका अलग से रोप किया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं अलग अलग जगह पे डाल देते हैं। हेल्दी सीडलिंग्स आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर टू द अदर टू द फील्ड, यानी कि जो अच्छे अच्छे सीडलिंग्स होंगे उनको उखाल के निकाल के फिर क्या करेंगे दूसरी जगह पर लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। ट्रांसप्लांटिंग डज हेल्प इन सेलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग एंड इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड।
यानी कि ये जो ट्रांसप्लांटिंग है वो क्या करती है, हेल्दी सीडलिंग को सेलेक्ट करने में काम आती है और क्रॉप की जो उपज होती है उसको भी बढ़ाती है। सीड्स एंड सीडलिंग मस्ट नॉट बी प्लेस टू क्लोज टू वन अनादर, सीड्स एंड सीडलिंग मस्ट नॉट बी प्लेस टू क्लोज टू वन अनादर, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सनलाइट सफिशेंट सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी जो सीडलिंग आप ले जाके उगा रहे हो है ना, मतलब पहले आपने बहुत सारे उगाए फिर उनमें से अच्छे अच्छे निकाल के आप खेत में वो लगा रहे हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पास पास में नहीं होने चाहिए, बाकी उनमें सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, वाटर नहीं पहुँच पाएगा और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएंगे। प्रॉपर स्पेसिंग ऑल्सो प्रिवेंटेज वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड। अगर आप प्रॉपर स्पेस लेते हैं तो उससे जो बीच में जो वेस्ट मटेरियल होगा उससे भी आप बचा सकते हैं, जो वेस्टेज उगते हैं, ठीक है। दिस एस्पेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड व्हेन अ सीड ड्रिल इज़ यूज। अगर आप सीड ड्रिल यानी कि जो मशीन दे रखी है वो अगर यूज़ करते हैं तो आप इजीली वैसे ही स्पेस मिल जाएगा आपको, है ना, उसके थ्रू अगर आप उगाते हैं तो, ठीक है। ये मशीन आपको फोटो में दे रखी है, आप देखेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।